नमस्ते फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ कोई रेसिपी शेयर करने नहीं जा रही हूँ, बस छोटी सी जानकारी देने जा रही हूँ कि हरा धनिया और हरी मिर्च को लंबे समय के लिए कैसे स्टोर करेंगे, क्योंकि हमें किचन में इन चीज़ों का ज़रूरत पड़ती ही रहती है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे रखें। लंबे समय के लिए स्टोर करने के लिए धनिया फ्रेश लेंगे और हरी मिर्ची भी, देखिए इस तरह का है, दोनों फ्रेश लिए हैं। और इस तरह का पीला अथवा दूसरा कोई खरपतवार हो तो निकाल देंगे इनमें से चुनकर। मैंने सारे निकाल लिए हैं, एक आपको दिखाने के लिए रखे हैं। और यहाँ पर धनिया मैंने दो तरह के रखे हैं, देखिए एक चौड़े पत्ते वाले और एक इस तरह का है, बहुत हरा कलर होता है और थोड़ा कम चौड़ा पत्ता होता है। ये बहुत दिनों तक फ्रेश रहता है और टेस्टी भी होता है दूसरे के कंपेरिजन में। धनिया मिर्ची को हम स्टोर करने के लिए पानी से बिल्कुल वॉश नहीं करेंगे, नहीं तो ये जल्दी बिगड़ जाएंगे। अब मिर्ची से डंठल निकाल लेते हैं, तो इसी तरह से सारे निकाल लेते हैं। तो सारे मिर्ची से डंठल निकल चुके हैं, देखिए इस तरह से निकाल लिए हैं। और एक दो बहुत कोमल और टूटा फूटा लगे तो निकाल दीजिएगा मिर्ची भी, इसे पहले यूज कर लीजिएगा। अब इन्हें किसी साफ सूखे कंटेनर में, एयर टाइट कंटेनर में हम स्टोर करेंगे। तो इस तरह का कंटेनर लेंगे और इनमें या इस तरह का व्हाइट पेपर अथवा किचन पेपर अथवा कोई कॉटन का कपड़ा भी ले सकते हैं, लेकिन न्यूज पेपर बिल्कुल मत लीजिएगा इसके लिए। तो चलिए सबसे पहले अब कंटेनर में धनिया को रखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इस तरह का जो छोटे पत्ते वाले होते हैं, प्योर ऑर्गेनिक होते हैं, आप इसे ऐसे भी रखें तो ये जल्दी बिगड़ेगा नहीं। वैसे इस तरह का धनिया बहुत कम ही मिलते हैं बाज़ार में, और आप चाहे तो इसे गमले में भी उगा सकते हैं, बहुत आसानी से उग जाता है। तो इस तरह से इन्हें रखेंगे और ऊपर से एक पेपर लगा देंगे, तो इन्हें कुछ भी नहीं करना पड़ता है, ये आराम से एक महीना चलेगा। और बीच में यूज करते समय एक दो पत्ता यदि बिगड़ा हुआ देखे तो निकाल देंगे हम उन्हें पहले। अब दूसरे वाले धनिया को भी रखते हैं, तो इन्हें थोड़ा हिफाजत के साथ रखना पड़ता है लंबे समय के लिए, नहीं तो जल्दी बिगड़ जाते हैं ये। इन्हें पेपर से इस तरह से पूरी तरह से ढक लेंगे, यानी बेर लेंगे इन्हें, देखिए इस तरह से, और वापस इसी तरह के कंटेनर में डालेंगे इन्हें और इन्हें भी बंद करके रखेंगे। और बीच बीच में आपको पत्ता बिगड़ा दिखे तो आप निकाल दीजिएगा। अब मिर्ची को रखते हैं, तो आप चाहे तो इस तरह का कंटेनर में रखें, इस तरह से पेपर में बेर कर, देखिए इस तरह से पेपर में बेर कर रखें, अथवा आप डायरेक्ट कोई जार में रख सकते हैं। तो मैं अभी जार में रख रही हूँ, देखिए इस तरह का जार में, साफ सुथरे जार में रखेंगे, इसे ऐसे ही रखेंगे तो भी ये 15 से 20 दिन चल जाएंगे, अथवा महीने भी चलेंगे ये। तो आप इस तरह से धनिया मिर्ची कंटेनर में रखकर और फ्रिज में रखिए, और यूज करते समय इन्हें आप धोकर यूज कीजिए, क्योंकि हम पहले वॉश नहीं किए हैं तो हमें धोना ही पड़ेगा। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी जानकारी आपके लिए। यदि आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। और बेल आइकन प्रेस करने के बाद 3 ऑप्शन आएंगे, उनमें से ऑल प्रेस कीजिएगा तो मेरी आने वाली सारी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ।